आपको ये गुलदान बनाने के लिए कागज़ के ऊपर आपको कटिंग सिखाऊंगी। ये देखें, ये आपने एक पीस लिया पेपर का, इसको आपने इस तरह से फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड किया। इसके जो ये चार कॉर्नर बन गए इसके, इसमें आपने इतने गैप में, इधर से इतने गैप में, यहाँ से आपने यहाँ से भी ऐसे इन कॉर्नर्स पे आपने कटिंग ज़िगज़ैग में करनी है। ऐसा गलत हो गया, कटिंग में ठीक कर दूंगी ये। इसी तरह ही इधर से दिया था, ये देखिए तो ये इसका मिडल है, यहाँ के ऐसे कट लगा देना है। इस तरह से आपने सांचा रखना है आपने, जिसके ऊपर ये बनाना है। देखिए ये इस शेप में आ जाएगी, ठीक है। इस शेप में आपने इसको सीमेंट में डिप करके, कागज़ को नहीं कपड़े को, ये मैं आपको कागज़ पे काटना सिखा रही हूँ, लेकिन कपड़ा आपने ऐसे काटना है वो गुलदान बनाने के लिए। सीमेंट में डिप करके आपने इस तरह से इस पर डालना है, और डालने के बाद आपने ये देखें इसके कॉर्नर बन गए ना उस तरह के लंबे लंबे से, इसको इस तरह से यहाँ पर पिनअप कर देना, पिनअप कर देना, और बीच में कोई बॉटल या कोई ऐसी चीज़ रख देनी है इस जगह पर, इस तरह से यहाँ पे आपने पिने लगा देनी है इस जगह पे, और ये सारे कॉर्नर आपने इस तरह से फोल्ड कर देना कटिंग करके इस तरह से। ठीक है,
ये कॉर्नर जो है ये इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे, यहाँ पे पिनअप हो जाएगा, यहाँ पे पिनअप हो जाएगा, यहाँ पे पिनअप हो जाएगा, इस जगह पे बीच में फिर बॉटल वगैरह रख सकते हैं आप, और इसको आप इस तरह से डाल करके सीमट लगा के फिर इस तरह से ये जो लंबे लंबे हैं इस तरह से आपने सीमट से फोल्ड करने हैं, ठीक है। मैं सीमट के बगैर इसलिए ये वाला बता रही हूँ कि मैं आपको सीमट से काफ़ी ज़्यादा सिखा चुकी हूँ चीज़ें, अगर आपने वो प्रोग्राम देखे हैं तो आप इसको ईजीली फॉलो कर लेंगे। इस तरह से आपने यहाँ पे पिन्ने लगा लेंगे, पिन्ने लगा के फिर यहाँ पे बॉटल्स आपने इस जगह पे बॉटल वगैरह को रख देनी है जिससे फूला फूला रहेगा। अब मैं आपको अपने वॉल में फूल रखना सिखाती जो मैंने खुद से बनाए हैं। देखिए फ्रेंड, तो मैंने कागज़ का आपको काट के दिखाया था, वो इस तरह से ये कटिंग हुई हुई है राउंड शेप में, ये देखें, और मैंने इसी तरह ही सेबर में डिप करके फोल्ड करके इसको किया है, और ये देखें, तो मैंने दरख्तों की लकड़ियाँ जमा की थी, टहनियाँ, ये इनको मैंने पेंट किया, देखें ये चमेली की बेल की टहनियाँ काटी थी, इन पे पेंट किया मैंने, ब्लैक कलर का पेंट किया, इसके ऊपर मैंने रेड कलर का किया पेंट, इनको मैंने लकड़ी के ऊपर इस तरह से राउंड शेप में बांध दिया। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे, मैंने ब्लैक एंड सिल्वर में कर दिया और रेड एंड सिल्वर में कर दिया। इसको मैंने पर्पल एंड सिल्वर में कर दिया, ये मोस्टली वो खजूरों के जो दरख्त होते हैं ये उन पे लगती हैं। ये भी खजूर के पत्तों का बनता है, इनके पत्तों की नेक्स ही बना के इस पर गोल्डन और सिल्वर का कंट्रास्ट दिया है मैंने। ये भी ये घास है, ये घास बारिश से मैंने तोड़ी थी सूखी हुई, ये इनके पत्तों को कलर किया घास से।
ये देखें, इसमें सब चीज़ें हैंडमेड है, वॉज भी हैंडमेड है, और इसके अंदर जो मैंने ये सब चीज़ें बना के डाली हैं ये भी सब हैंडमेड है।